शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोखा वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर यना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले आपने नारे सुने कि ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापिस लो। इसी तरह के नारे जो है वो आपने पहले भी सुने होंगे, काले कानून वापिस लो के नारे। वो समय था किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन में काले कानून वापसी की मांग को लेकर के तमाम किसान जब वो धरने पे बैठे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो ड्राइवर जो है वो लगातार धरने पे बैठे हुए। इनका भी आरोप यही है कि काले कानून जो है वो बनाए गए हैं ड्राइवरों के लिए, जो कि ड्राइवरों को काफी परेशान निराश जो है वो करने वाले हैं। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सिरसा जिला के और रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव बनी की, और यहां पे आप देखिएगा कि तमाम ड्राइवर जो है, ड्राइवर साथी जो है वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। यहां पे बसें देखिएगा, बसें यहां जो गांव के लोगों को सिरसा तक जो है वो ले जाने का लाने का काम करती थी, वो बसें जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। केवल बसें बसें नहीं, बल्कि इसके अलावा अगर गाड़ियों की बात करें, जो टैक्सी गाड़ियां चलती थी, जो लोगों को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती थी, वो तमाम गाड़ियां भी यहाँ पे जो है वो खड़ी हुई है। केवल इतनी नहीं बल्कि और भी है, बनी गांव के अंदर 3-4 बसें हैं, तो वो ज्यादा बसें बता रहे हैं। जितनी भी बसें हैं, जितने भी व्हीकल हैं, वो तमाम व्हीकलों का चक्का जाम करके ड्राइवर जो है वो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। अब ऐसे में ड्राइवरों का मसला क्या है, आखिर कहानी क्या है, क्यों काले कानून ये बता रहे हैं, वो कानून क्या है, वो जानने के लिए ड्राइवर साथियों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। वीर जी की कहना चाहोगे, की समस्या है थोनू कानूना? तो कानूना तो वीरे इस तरह है कि सरकार ने कानून कढ़ते, असी ड्राइवर हाँ, साढ़ी 400-400 रुपये दिहाड़ी है, असी सवेरे घरों आने, सारा दिन सीट पर कट देने, शाम घर चले जाने, ठीक है। हूँ ये 7 साल की 10 साल की सज़ा देती, 5-6 लाख रुपया सरकार ने जुर्माना करता ड्राइवर ने। तुसी ड्राइवर बच्चे पालेगा अपने, 10 साल अंदर चले गया, वो परिवार कौन वेखेगा, वो वास्ते तो सारा कुछ खत्म हो गया ड्राइवर का, तो 10 साल तक है। इस करके सरकार को सोचना चाहिए कि इन्ना ड्राइवर है रोडों पर चलता है सारा दिन, रिस्क पर टायर के उत्ते ड्राइवर ही बैठा है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्हें हमारी हाथ जोड़ कर बेनती है कि ये कानून है जो ये वापस लो आप, ये किसी को मंजूर नहीं है ये कानून। एक ड्राइवर है, उसकी भी 2 आँखें हैं, 1 नाक है और 2 कान है, उसके भी 4 आँखें नहीं है, आम आदमी है वो भी, वो चलता है, गाड़ी चलाता है, चूक किसी से भी हो सकती है, आम आदमी से भी चूक हो सकती है, किसी से चूक हो सकती है। तो ये आप अपने कानून वापस लो, नहीं तो हम धरने के ऐसे ही चलता रहेगा ये धरना, चाहे 10 दिन चले, चाहे महीना चले, चाहे 2 महीने चले। हाँ जी, ये जो रूल कटे सरकार ने, ये बंद करना चाहिए है। सारा ड्राइवर नाल सर कट्ठे है, अब बंद करा के ही रहेंगे, क्यों ड्राइवर वास्ते चंगी गल नहीं है, दिखा सरकार ने कर गलत किया है। भाई साहब, धरना का आज लगातार दूसरा दिन है आपका, तो तीसरा दिन है ये लगातार, तो ये काले कानून अभी आप कह रहे थे कि काले कानून वापस लो, तो ये कानून है क्या एक्चुअली? ये रन एंड हिट काला कानून जो लेके आए हैं, जैसे कि आप सिंपल भाषा में बात कर लें कि जो ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो जाती या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो अगर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना, ये वाला काला कानून है। इसका विरोध में आज बनी गांव में ड्राइवर भाईचारे द्वारा, बसें भी आप देख रहे हैं पीछे खड़ी हुई हैं, वो स्टॉप कर दी गई हैं और एक धरने का रूप ले लिया, और काफ़ी ड्राइवर, सारे ड्राइवर इकट्ठे होकर मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन लगा रहे हैं। ठीक है, तो सिरसा में भी धरना चल रहा है, तो एक जगह पे धरना क्यों नहीं दे रहे, अलग अलग गांव के अंदर अलग अलग जगह पे धरने चल रहे हैं? एक्चुअली अभी ये तीसरा दिन ही है धरने का, अभी एक मंच पे इकट्ठे होने का समय आ जाएगा, अभी वक् वक् गाँव में जाकर इस काले कानून का जो
प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मोदी जी द्वारा ये काला कानून लेकर आया है, आम लोगों को इसका इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, इसलिए एक छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे गांवों से लेकर एक बड़ा आंदोलन का रूप धारण करेंगे इसका। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये कानून जो बनाया गया है कि हिट एंड रन जो पॉलिसी सरकार की, यही कहूँगा कि जो एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर जो है वहाँ से फरार हो जाता है या इधर उधर हो जाता है, तो उस ड्राइवर को जो है वो 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माना करने का प्रावधान जो है वो रखा गया है। तो इसी के विरोध में जो है वो ड्राइवर तमाम हरियाणा के क्या ऑल इंडिया के ड्राइवर जो है वो लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब ऐसे में ड्राइवर हड़ताल पे बैठ गए, सरकार ने कानून ला दिया, लेकिन परेशानी हो रही है तो आम जनता को हो रही है। अगर मुझे मैं गाड़ी या व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकता सिरसा तक जाने के लिए, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करूंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब जो है वो बंद पड़ी हुई है, चक्का जाम पड़ा हुआ है। तो मुझे जो परेशानी हो रही है या आम आदमी को जो परेशानी हो रही है, उसका जिम्मेवार अगर आप मानेंगे तो किसे मानेंगे? ड्राइवरों को मानेंगे या सरकार को मानेंगे? सबसे बड़े फेलियर जो है वो सरकार का, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ड्राइवरों को अगर चक्का जाम करना होता तो पहले भी कर देते। सरकार कानून लेकर के आई, उसके बाद ड्राइवरों ने चक्का जाम किया। जनता को होने वाली परेशानी की सीधी सीधी जिम्मेवार सरकार को माना जा सकता है। खैर, कब तक ये जनता जो है वो परेशान होती रहेगी? कब तक ड्राइवर जो है वो चक्का जाम करके बैठे रहेंगे? क्या बीच का कोई अल्टरनेट निकलता है? क्या कोई सॉल्यूशन निकलता है जिससे जनता को जो है वो परेशानी जो है वो खत्म हो सके? ये आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सौ के बिट्टू मैल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।